व्रत नहीं तोड़ा है, इनफैक्ट आप भी खा सकती हैं, अलाउड है, हम सच कह रहे हैं। अरे चलिए ना, आप भी खाइए ना, बैठिए ना भाभी, आप भी खाइए, अब खाइए ना भाभी, खाइए खाइए। क्या क्रिश नहीं देगा अब बिंदिया को तलाक? क्या बिंदिया ने डाल दी है तलाक की अर्जी? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिंदिया है वो बाबूजी की बेटी बनकर अब घर में रह रही है, और यहाँ पर जो पायल है वो ये बात जान चुकी है कि बिंदिया ने आज भी क्रिश के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है, बस बाहर से बिंदिया बनने की एक्टिंग कर रही है। भाभी खाइए ना, अरे हमें ना एक जबरदस्त तोड़ पता चला है, खाइए खाइए। तोड़ तो तुम्हें अम्मा और मम्मी जी देंगी जब उन्हें पता चलेगा ना तुम्हारी इस मंचिंग के बारे में। रुको तुम अभी। मम्मी जी, मम्मी जी, इसने शिव पार्वती की पूजा से पहले ही व्रत तोड़ दिया। भाभी, अरे यार यार, ये भी ना, हकीकत में तो ये अभी भी अपने आप को बिंदिया शुक्ला ही मानती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिश ने जो है बिंदिया से तलाक के लिए बहुत समय पहले अर्जी डाली थी। ये तलाक इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि बिंदिया ने अभी तक उस अर्जी को माना नहीं था, बिंदिया तलाक देना नहीं चाहती थी। लेकिन अब वकील आ जाते हैं और बोलते हैं कि बिंदिया जी, आपकी अर्जी एक्सेप्ट हो चुकी है और अब तलाक हो जाएगा। लेकिन बिंदिया यहाँ पर शॉक हो जाती है। बिंदिया कहती है, मैंने तो कोई अर्जी डाली ही नहीं। घर परिवार वाले भी सब खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर बलदेव आते हैं और बोलते हैं, बेटा मैंने ये अर्जी डाली थी, मैं चाहता हूँ तुम तलाक दे दो, इस अधूरे रिश्ते में रहकर कोई फायदा नहीं है जहां पर तुम्हारा इतना अपमान हो। लेकिन अब क्रिश के मन में बिंदिया के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, क्रिश बिंदिया को प्यार करने लगा है, और जो क्रिश चाहता था कि बिंदिया उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए, वही क्रिश अब डर रहा है कि बिंदिया और मेरा तलाक हो जाएगा तो क्या होगा। देखते हैं खैर आने वाले एपिसोड में क्या होता है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।